हेलो फ्रेंड्स, हम सभी के घर में इस तरह से केक वगैरह आता है बर्थडे वगैरह में, जिसे हम जिसकी टिन को इस तरह से बेकार समझ के फेंक देते हैं, इसकी प्लेट को इस तरह से। तो चलिए आज इसी से कुछ बनाते हैं। तो ये मैंने इसकी केक ख़त्म होने के बाद मैंने इसे साफ़ कर लिया अच्छे से, और ये बहुत ही आसानी साफ़ हो जाता है। साफ़ करने के बाद इसे मैंने ये किनारे पे जो निकला रहता है केक इसमें प्लेट में, तो ये इसे मैंने कट कर लिया इस तरह से। केक बोर्ड के कॉर्नर को, किनारे को इस तरह से कट करके हटा दिया है, तो ये पूरा राउंड शेप में हमें मिल गया है एक पीस। और एक और ये पीस मैंने ले लिया है, तो इसे भी मैंने कट करके हटा दिया है। और इस तरह से इसके साथ हमें इसको जॉइंट कर लेना है, जिससे कि इसका बेस मजबूत हो जाए जो भी हम बना रहे हैं। और ये बॉटल वगैरह रहती हैं हम सभी के यहाँ, तो उसी के ढक्कन मैंने लिए हैं। तो ये एक ढक्कन लेके मैंने इसमें इस तरह से होल कर लिया है, ये जो कांच की शीशी में जो इस तरह के ढक्कन आते हैं उसी को लेके उसमें मैंने बीच में होल कर लिया है। और ऐसे ही हमें एक कील या पेचकस वगैरह कुछ लेके उससे इसमें भी होल कर लेना है केक बोर्ड में। तो दोनों में मैंने होल कर लिया है, क्योंकि दोनों को हमें आपस में चिपका देना है, तो इसीलिए। तो ये देखिए इसमें होल हो गया है। अब मैंने एक पेंच ले लिया है, तो पेंच को इसके साथ में अच्छे से अटैच कर देंगे ढक्कन को, इससे ना ये अच्छे से मजबूत हो जाएगा। अब पेचकस से पेंच को कस दिया है। तो इसको अच्छे से दोनों बोर्ड को इस तरह से इसी के साथ में अटैच करके अच्छे से पेंच को कस देना है, जिससे कि टाइट रहे। थोड़ा सा हमने अच्छा सा मोटा सा लिया है, जिससे कि अच्छे से टाइट होके अच्छे से फिक्स हो जाए, बिल्कुल उसमें चिपक जाना चाहिए। तो ये देखिए ये अच्छे से फिक्स हो गया इसमें। और पीछे से इसमें मैंने कि इसको पेज को बंद करने वाला ये लगा दिया है बस, और थोड़ी सी फेविकोल भी लेके यहाँ पे लगा दी है, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर जाम हो जाए, हिले नहीं बिल्कुल भी। और अब पीछे में ये प्लास्टिक वाली बॉटल थी, तो उसी के ढक्कन है, तो उन्हीं को मैंने लगा दिया है इसमें नीचे की साइड, पीछे की साइड इसके फावा बनाने के लिए। तो ये स्टैंड जैसा बन गया है, ये देखिए तीनों ढक्कन इसमें चिपका दिए हैं और ये स्टैंड बन के तैयार हो गया है। अब इसे सूखने के लिए रख देना है। अब ये शादी के कार्ड जो है, तो उसी को मैंने लिया है, तो उसको इस तरह से मैंने मोड़ के अच्छे से हमें मोड़ लेना है, जिससे कि एक अच्छा सा हमें स्टैंड जैसा चाहिए कुछ। तो मेरे पास इस तरह का पाइप नहीं था कोई सा, तो मैंने इसीलिए इसे कार्ड से बना लिया है और फेविकोल से चिपका दिया है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमें इतना मोटा इसका साइज रखना है कि ये ढक्कन के बराबर ढक्कन इसमें आ जाए आसानी से। तो इसी को इसमें, क्योंकि हमें फंसाना है, तो इसलिए देखिए दोनों साइड इस तरह से ढक्कन लगा के मैंने एक और बना लिया है। तो दो मैंने इस तरह से पाइप बना लिए हैं। अगर आपके पास पाइप हो तो आप बने बनाए पाइप भी लगा सकते हैं, थोड़े से मोटे पतले जैसे भी हों। तो मेरे पास नहीं थे, तो इसीलिए मैंने इससे बनाए हैं ये। और अब ये दूसरा वाला केक बोर्ड ले लिया है, तो इसमें ये डबल साइडेड टेप लगा हुआ, तो मैंने सोचा इसी में चलो चिपका के देखते हैं। तो मैंने ढक्कन को इसमें इस तरह से चिपका दिया है, तो ये मुझे लगा कि अच्छे से चिपक जाएगा। तो अब ये मैंने बेस ले लिया है, और ये देखिए इस तरह से मैंने ये जो बनाया था इसको इस तरह से ढक्कन में लगा के पाइप को अच्छे से हमें इसमें फिक्स कर लेना है। तो मुझे हल्का सा लूज लग रहा था, तो मैंने एक और
पतला सा कार्डबोर्ड काट के उसको इसमें लगा के चिपका दिया है, जिससे कि ये बिल्कुल टाइटली फिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जो बना रहे हैं तो ये हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाना चाहिए इस तरह से। और इसी तरह से ऊपर भी हमें दूसरा जो हमने बनाया है केक बोर्ड का पीस, उसको भी हमें इसी के ऊपर इस तरह से रख के चिपका देना है। और इस तरह से मैंने सूखने के लिए रख दिया था, तो जब अच्छे से फिक्स हो गया तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया स्टैंड बन के तैयार हो गया है। इसमें हम कितने सारे अपने मसाले के डिब्बे डिब्बी हैं इसमें रख सकते हैं, और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो फ्रेंड्स, ऊपर पाइप में आप चाहे ढक्कन लगा दें और चाहे तो हटा के इस तरह से फ्लावर वॉज भी लगा सकते हैं। तो देखिए बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ये। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा स्टैंड। देखिए बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। आपको आज कांच के गिलास की एक ट्रिक भी बताते हैं कि कांच के गिलास गर्मियों में ज़्यादा यूज होते हैं, तो इनको हम इस तरह से रोज़ यूज होते हैं तो धुल के हम ऐसे ही रख देते हैं, तो हमें डर रहता है कि कीड़े मकोड़े ना चढ़ जाएं, क्योंकि बर्तन के साथ तो रख नहीं सकते हैं, तो अलग से ही रखते हैं इनको। तो इस तरह से हम इन्हें कैसे रख सकते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से मैंने, आप चाहें इसकी जगह कोई कटोरी भी ले सकते हैं, तो मैंने ये ले लिया है इस तरह से, और इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको रख देती हूँ इस तरह से सारे ग्लास लगा के। और एक ये मैंने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली हुई है, तो उसको नीचे से कट कर लिया है इतना। और ये देखिए इस तरह से हमारा एक इतना प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। आप देखिए इसमें कीड़े मकोड़े वगैरह लगने कोई डर नहीं रहता। धोने के बाद इस तरह से रख दीजिए और देखिए कितनी सेफ भी रहती हैं, और हमें कोई डर भी नहीं रहता कि गंदी हो जाएंगी या कीड़े मकोड़े चढ़ेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से हम इन्हें बहुत ही कम जगह में इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।